साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भूत प्रेत आत्मा की तलाश करने वाली यह डिटेक्टिव ऑफ सुपरनेचुरल यानी डॉस का दावा है कि हम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अतिप्त आत्माओं का पता लगा सकते हैं, भूत प्रेत का पता लगा सकते हैं। ऐसे में कलकत्ता हाईकोर्ट में भूत है और उसका हम अपने इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जांच पड़ताल करके जरूर पता लगा देंगे। इसीलिए कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा गया है, अपील की गई है कि उन्हें रात में ठहरने दी जाए। लेकिन एक कौन है डिटेक्टिव ऑफ सुपरनेचुरल यानी डॉस? सोशल मीडिया में इनका एक पेज बना हुआ है और इस पेज में भी उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में भूत है कहकर दावा करके एक वीडियो पोस्ट किया है। तो चलिए, वाकई में कलकत्ता हाई कोर्ट के 11 या 13 नंबर कमरे में भूत प्रेत या आत्मा है कि नहीं उसका खुलासा करने से पहले हम आपको डॉस के सोशल मीडिया पेज पर कलकत्ता हाईकोर्ट भूत है बोलकर जो वीडियो पोस्ट किया गया है, चलिए उस वीडियो को हम आपको दिखाते हैं। আর এই রুমটা আপনাদের দেখাবার জন্য আচ্ছা, ওই স্পাইরাল ট্রিটা কোন দিকটায় আছে? এদিকে যেটার কথা জাস্টিস অভিজিৎ গাঙ্গুলি বলছিলেন, অনেকদিন আগে এই সিঁড়ি দিয়েই যাদের ফাঁসি দেওয়া আসামি তাদেরকে এই সিঁড়ি দিয়েই আনা হতো। আর এই সিঁড়ি ঘিরেই অনেক রকম গল্প রুটেছে, কি ঘটেছে সেটাই ইনভেস্টিগেশন আমরা করব। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में कलकत्ता हाई कोर्ट भूथा हाई कोर्ट है? क्या हाई कोर्ट का 11 नंबर कमरा भूथा कमरा है? क्या डॉस यानी डिटेक्टिव ऑफ सुपरनेचुरल ने जो दावा किया है कि इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भूत प्रेत आत्मा आदि का तलाश किया जाता है, सबूत पेश किया जा सकता है, क्या यह प्रश्न सही है या नहीं? लेकिन मैं संतोष शर्मा भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति के संयुक्त सचिव के नाते
डॉस डिटेक्टिव ऑफ सुपर नेचुरल को यह खुली चुनौती देना चाहूँगा। अगर डॉस ने अपने इंस्ट्रूमेंट के द्वारा यह साबित कर दिया कि वाकई में भूत प्रेत अतीत आत्माओं का अस्तित्व है, कलकत्ता हाईकोर्ट में भूत है, तो हम उन्हें 50 लाख रुपए देंगे। अगर डॉस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर यह साबित कर दिया कि वाकई में कलकत्ता हाईकोर्ट में भूत है, तो भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति अंग्रेजी में साइंस एंड रेसलिस्ट एसोसिएशन की ओर से उन्हें 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से डॉस को यह चुनौती, एक खुली चुनौती फिर देना चाहूँगा कि क्या आप साबित कर पाएंगे कि वाकई में कलकत्ता हाई कोर्ट का कमरा नंबर 11 भूता कमरा है। क्या आप साबित कर पाएंगे कि कलकत्ता हाई कोर्ट में भूतों का डेरा है? अगर आप साबित नहीं कर पाए तो इस तरह की अफवाह फैलाने का काम बंद करिए। लोगों में ये अंधविश्वास अफवाह मत फैलाइए कि भूत प्रेत होता है। हाई कोर्ट जैसे न्यायालय में भूतों का अतीत आत्माओं का डेरा है। इस तरह की अफवाह फैलाना एक कानूनन जुर्म है। अगर आप जन जन में यह अफवाह फैलाते हैं कि हाई कोर्ट में भूत है, हाई कोर्ट में 13 नंबर कमरा भूता कमरा है, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए आपसे यानी डॉस से यह कहना चाहूँगा, चुनौती भी देना चाहूँगा कि आप इस तरह का नौटंकी, इस तरह का ड्रामाबाजी, इस तरह का अफवाह फैलाने का काम जितना जल्द होके बंद करिए। नहीं तो हो सके वह दिन दूर नहीं कि अंधविश्वास फैलाने के जुर्म में, अफवाह फैलाने के जुर्म में आपको अदालत के कटघरे में खड़ा ना होना पड़े, क्योंकि अफवाह फैलाकर लोगों को आतंकित करना जुर्म माना जाता है कानून की नजर में। अगर आपको लगता है कि डॉस ने जो दावा किया है कि कलकत्ता हाई कोर्ट में भूत है, तो आप डॉस पे दबाव डालिए, उन्हें भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की ओर से चुनौती चैलेंज लेने के लिए फोन करिए, बातें करिए, देखिए वह हमारी चुनौती यानी रेसलिस्ट एसोसिएशन की चुनौती लेता है या नहीं। ये डॉस सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए, लोगों में तरह तरह का अंधविश्वास फैलाने के उद्देश्य से यह दावा करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आत्मा भूत प्रेत का सबूत इकट्ठा किया जा सकता है। पता नहीं डॉस को ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट हाथ लग गया जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा यह पता लगाते हैं कि आत्माएं होती है किसी हवेली में, किसी मकान में, किसी शमशान में। पता नहीं वह कौन साइंटिस्ट है जिसने यह इंस्ट्रूमेंट बनाया और उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आत्माओं का पता लगाया जा सकता है। तो ऐसे साइंटिस्ट को सबसे पहले तो नोबेल प्राइज देना चाहिए जिसने यह इंस्ट्रूमेंट बनाया, जिसने ऐसा एक औजार बना दिया और उस औजार का इस्तेमाल डॉस करते आया है और रात बिरात दिन दहाड़े जंगल में मंगल करने पहुंच जाते हैं और दिखाते हैं, देखो यहाँ कोई है, यहाँ कोई अनसुनी कोई भूत है, और इस तरह की डरावनी म्यूजिक डालकर कुछ वीडियो पोस्ट करके लोगों के बीच अंधविश्वास फैला करते हैं। मैं संतोष शर्मा भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति के संयुक्त सचिव के तौर पे हाई कोर्ट से अपील करूंगा कि डॉस को हाई कोर्ट में ठहरने के लिए किसी तरह की कोई अनुमति ना दी जाए। हाई कोर्ट में भूत है, इस तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा ना दी जाए। हाई कोर्ट के कमरा नंबर 11 भूता कमरा है, इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये हमारी यह युक्तिवादी समिति की ओर से एक युक्तिवादी होने के नाते हाईकोर्ट से अपील है। आम लोगों से भी यह कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि वाकई में कहीं भूत है प्रेत है, तो हम युक्तिवादियों को बुलाइए, हम हमारे युक्ति तर्क ज्ञान के आधार पर यह साबित कर देंगे कि आप जहां दावा करते हैं वहां भूत है प्रेत है आत्मा है, वाकई में वहां कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब वास्तव में भूत प्रेत आत्मा होती नहीं है, तो किसी खंडर में, किसी हवेली में, कोई हाई कोर्ट में या शमशान में भूतों का आत्माओं का होना सिर्फ कल्पना हो सकती है। लेकिन जब डॉस जैसी संगठन यह दावा कर लेता है कि इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भूतों की तलाश की जाती है, तो हम
बार बार यह चुनौती देते आएंगे और हर बार चुनौती देंगे कि युक्तिवादी समिति की चुनौती का सामना करिए, साबित करिए कि भूत होता है और 50 लाख रुपए ले जाइए। अगर आप वाकई में चुनौती जीत लेंगे तो आपको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे और हम लोगों के सामने यह स्वीकार कर लेंगे कि हाँ आत्माएं होती है, भूत प्रेत होता है। जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा कि कलकत्ता हाई कोर्ट हो, कलकत्ता पुलिस के अधीन कोई बैरिक हो या कहीं और कोई जगह हो, वहाँ कोई भी भूत प्रेत आत्मा नहीं होती है, सिर्फ एक अफवाह है, अंधविश्वास है। अगर आपके मन में भूत प्रेत आत्मा आदि को लेकर किसी तरह की कोई भी सवाल है तो आप जरूर युक्तिवादी समिति से संपर्क करिए, मेरे साथ संपर्क करिए, मैं तार्किक रूप से आपके हर प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा। लेकिन इस भ्रम में, इस अफवाह में मत पड़िए कि कलकत्ता हाईकोर्ट में भूत है। कलकत्ता हाईकोर्ट का कमरा नंबर 11 भूता कमरा है, यह पूरी तरह से अफवाह है, अंधविश्वास है।